असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो यार अभी भी से अभी 6:30 का टाइम होगा, अगर मैं उठूँ तो कितनी तेज़ बारिश हुई थी और इतना अच्छा मौसम आने वाला था। और जो हमारे चाची का रिक्शा खड़ा है वो पापा से कहीं गए हुए, तो देख सकते हैं गरीब अभी तो बारिश भी हुई थी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम आने वाला, बादल आए हुए हैं और ये जो पौधे भी खुश आए हुए हैं। देखिए इधर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शुक्र है कि अब बारिश हो रही है। तो यार सब नॉर्मल था, हम लोग अपना नया सीट में खेल रहे थे, साइकिल चला रहे थे और पानी को देख रहे थे कि पानी कितना खूबसूरत लग रहा था, गर्म था, आ रहा था, छत से आ रहा था। और मैम से हमने कहा चलो मज़े करते हैं, साइकिल चलाने शुरू हो गया, सीधे मैं खेल में मज़ा कर रहे थे, सब नॉर्मल था। मैं कभी हवेली में गया था, मैं कभी ऊपर आया था, फिर हमने कहा चलो सीट खेलने शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं इस क्लिप में कि हम अभी खेल रहे हैं साइकिल से, तो मैं साइकिल चला कर आ रहा हूँ और सीव साइकिल को देख सकते हैं कि अब ये साइकिल से पानी को उड़ाएगा, साइकिल से पानी को उड़ाएगा, कहीं सुना होगा आपने ये सेंटेंस। तो सब नॉर्मल था, जहाँ देखते ही देखते मतलब मैंने छत पे गया, मैंने वीडियो बनाई, बारिश हो रही थी, गए वैसे सब मतलब मज़े कर रहे थे और पानी भी खड़ा नहीं था, मज़ा आया था, मतलब हमें जी भी खड़ा चीज़ को मज़ा आता है क्योंकि इतने दिनों बाद बारिश हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि पूछिए ना आप। और अब देखिए मैं खड़ा हूँ सीढ़ियों पर, वही हवेली है, हर चीज़ वही है। और आप पानी का देख सकते हैं, पानी कितना हमारी हवेली में आ गया है, वो आप देख सकते हैं बकरों की खुली मैं वीडियो बना वो डूब गई है पानी के अंदर, ठीक है। और मैं सब हम काम करने शुरू हो गए, हम लोगों ने गए वैसे किसी और के डेरे पे बांध कराए, हम लोगों ने खाली शल संभाली और देखते जो कितना पानी खड़ा हो गया, ऐसा हुआ कि बाहर पानी ज़्यादा खड़ा हो गया था, ठीक है, और सारा बाहर से पानी हमारा अंदर आ गया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान आए हैं। फिर हम लोगों ने जो लोगों को बुलाया, हम लोगों ने सारी चीज़ें संभाली हैं। अब वही मेरी जैसे मैं खेलता हूँ, मेरी चलती हैं फिरती हैं, और फिर मैंने अपनी बकरियों का बांध दी थी छत पर, घर पर मतलब अपने घर पर जाके ना नीचे डूब न गए, डूब सब इतना पानी खड़ा हुआ था, बस घोड़ी की जगह थी वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ था और हर जगह पानी खड़ा हुआ था, कमरों में भी पानी घुस गया था, हमारे सारे घर चल सब कुछ गीले हो गए थे, कमरों में पानी घुसा। बस ये जो इनके थी ये बस क्लीन नहीं हुई, और आप देख सकते हैं ये बकरे मेरे, पहले तो मैंने कहा चलो अभी कुछ भी नहीं होता, यहाँ बकरियाँ बंदी रहें, फिर अभी देख सकते हैं मेरा पानी यहाँ पर है, ठीक है। फिर मैंने फटाफट अपनी बकरियाँ खोल ली, फिर मैं छत पर लेके गया, छत घर पे लेके गया, फिर बांधी, और फिर बड़ा मुश्किल काम था, ये सीन बड़ा मुश्किल था। और अभी ये देखते हैं हॉस्टल ऑफ हवेली के सारा खुलियों से ये चाला निकल आ रहा है, ये सारी गायें हम खोलेंगे और अंदर बाहर जाएंगे, ये दीवार बोलिए सर भाई हो भाई हाँ उधर कैसे खाएंगे फ्रेंड। ये उस टाइम का मंजर था जब हमारी हवेली पूरी खाली जगह थी, हम लोगों ने अपनी बकरियां गाय भैंसे सब जगह बांध दी थी, और ये जो हाकम है ये अपने कपड़े वो कपड़ों की बहुत ज़्यादा थी टेंशन के कपड़े बच जाएं, और बस कपड़े बच जाएं, इनको थोड़ी सी है, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि अब हमारा ज़रा कोई काम नहीं है, हमने गाय भैंसे सब कुछ संभाल दिए, मतलब दूसरे के डेरे पे बांध कर आ गए, और बकरियाँ आपने पिछले क्लिप में देखा है हम अपने अच्छे घर में बांध गए थे, और अब हमारी कुंडी लगा ली बड़े भाई ने। और अब आप एक दफ़ा ग्राउंड का मंजर देखें, मैं आपको बारे ग्राउंड है ना पीछे इधर हम लोग खेलते थे क्रिकेट, अब उधर का बस मंजर देखें, इधर तो रखते कोई भी दरिया है, ये देखें हमारे गए बसों को बस सारा नीचे तैयार है, और बाकी अब हम लोग मैंने मुझको कहा है, मुझे बड़े भाई ने कहा है कि ना जो हमारा जैसे पानी आता है ना अंदर जाता है और बाहर आता है वो ना उधर एक कपड़ा रख लो, तो हम लोगों ने कपड़ा रखने की बड़ी कोशिश की है, फिर
और अब गाय हम लोग सारी लेके जा रहे थे, ठीक है। ये गाय जो नहीं, ये वाली गाय, ये ना हम लोगों ने खुद गई खुद ब खुद, ठीक है। ये पानी में आ गई है, इसको मुझे नहीं पता था कि कैसी गाय आई है, ठीक है। ये एकदम मतलब खुद ही खुल गई है, मेरे ख्याल से इसकी जो मम्मी हम ले गए हैं ना, तो ये खुद ब खुद खुल गई थी। तो अब इसको भी हम पकड़ के फिर हम लोग ले कर गए हैं हवेली में दूसरे के डेरे पर, मतलब वो जो एक अंकल है ना, अंकल अली, उनके डेरे पर हम लोग ने अपनी सारी गायें बसें बांध ली थी। तो उधर हम अपनी गायें बसें ये भी ले गए थे और हर गाय ले गए थे। फ्रेंड्स ये देखिए आकम का साहब मेरे जूता, आकम चाचू का जूता नहीं है, वो सामने पानी में कुछ तीनों तरफ डूब रहे। ये देखें हवेली के मंजर, ये उस टाइम का मंजर था जब पानी कम हो गया था, वो देख सकते हैं अब उस खुली को हमने अंदाज़ा लगा लें। पिछले क्लिप में देखें, अब क्लिप देखें, फिर आज ऐसा पानी कम होया, हम अपनी गायें बस लाते गए अंदर घर। तो इस तरह बड़ा बुरा दिन था ये का, उफ अल्लाह। मैं ज़रा नीचे थोड़ी सी उतरूँ, लेकिन डर लग रहा है ये मेरे जब पानी ज़्यादा खड़ा था ना, तो मेरे समझे ना फुल घुटनों से भी ऊपर जा रहा था, मेरे तो घुटनों से भी ऊपर। तो शुक्र है अल्लाह का ये पानी फिर कम हो गया, फिर हम लोग अपने जानवर वापस ले आए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो लगी थी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।